जय माता जी। दोस्तों आप देख रहे हैं धर्म भक्ति। दोस्तों 15 दिसंबर 2021 से खरमास आरंभ हो रहा है। ऐसी शास्त्रों में मान्यता है दोस्तों कि मलमास या खरमास का महीना है वह शुभ नहीं होता है। इस महीने में कई चीजें हैं जो कि वर्जित मानी जाती है। दोस्तों वधु प्रवेश, नवीन भवन निर्माण, नया व्यापार व्यवसाय, मुंडन, सगाई आदि जो ये शुभ कार्य है वो दोस्तों वर्जित माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मास में सूर्य देवता के रथ को घोड़े नहीं खींचते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों खरमास को कहीं कहीं मलमास भी कहते हैं। इस मास का एकादशी का उपवास कर भगवान विष्णु का पूजन करके उन्हें तुलसी के पत्ते के साथ खीर का भोग लगाना अवश्य चाहिए। दोस्तों इस महीने में अर्थात खरमास के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर स्नान करके भगवान विष्णु को दूध से अभिषेक करना अति उत्तम माना गया है। हो सके दोस्तों तो कम से कम 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु का वास दोस्तों हमारे शास्त्रों ग्रंथों में बताया गया है। पीपल में उनका निवास स्थान माना जाता है। अतः इस महीने में पीपल का पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों इस महीने जो है पाप दुर्विचार और दुर्व्यसन जैसे चीजों से अपने आप को दूर बना के रखें। इस मास में दोस्तों भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ धार्मिक भक्ति में धार्मिक स्नान दान में अपना मन विशेष रूप से लगाएं। कार्य क्षेत्र में उन्नति और तरक्की के लिए मलमास या खरमास की नवमी तिथि को कन्या को भोजन कराना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों खरमास के दौरान सूर्य देव की उपासना करने का विशेष महत्व है। अतः हो सके तो एक माला गायत्री मंत्र का जाप आप अवश्य करें। अब प्रश्न उठता है खरमास के दौरान क्या कार्य नहीं करना चाहिए। खरमास के दौरान नई वस्तुएं, नया भवन, प्लॉट, घर अथवा कार या इलेक्ट्रिक आदि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इस महीने घर निर्माण कार्य, घर निर्माण संबंधी सामग्री भी नहीं खरीदना चाहिए। खरमास के पूरे महीने तक विवाह, सगाई की रस्में, गृह प्रवेश, धार्मिक कार्य और मांगलिक कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना खरमास के दौरान क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई। तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।